हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारो, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखिए, बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो लोग यहाँ पे रह के गए हैं। जितने भी लोग यहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर रह के गए हैं, और जिन लोगों ने लोन लिया था एहतसलात से, डू से, बैंक से, या कुछ भी है, ठीक है ना, वो डिफ़ॉल्ट हो गए, मतलब पैसे वापस नहीं किए और चले गए। अब हर एक बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर अब हम दोबारा यूई या इसके अलावा किसी कंट्री के अंदर जाएं, जीसीसी कंट्री के अंदर जाएं, तो हमको पकड़ के जेल में तो नहीं डाल देंगे। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखें, एक चीज़ आप ध्यान में रख लें, वो ये है कि यूएई के अंदर अगर आप रह के गए हैं, यूएई के अंदर अगर आपने लोन लिया था, मोबाइल लिया था डू से, एहतसलात से, कोई पैकेज लिया था, या व्हाटएवर कुछ भी है, अगर यूएई का है तो आप उसको यूएई के ही अंदर रखें, ठीक है। बाकी जो कंट्री है, जीसीसी कंट्रीज हैं, अब उनके माइंड में क्या होता है, अब ऊपर आप देख सकते हैं, एक बंदे ने कमेंट किया था कि क्या मैं सऊदीया जा सकता हूँ या नहीं, किसी ने बोला मैं ओमान जा सकता हूँ या नहीं, किसी ने बोला कि यार मैं बहरीन जा सकता हूँ। देखिए, जीसीसी जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू इससे रिलेटेड है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये जो अगर आपने लोन लिया हुआ था, डिफ़ॉल्ट हो गए, डू और एहतसलात और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आपका प्रॉब्लम, आपने पैसे वगैरह नहीं किए यूएई के अंदर, तो आप अगर यूएई ट्रैवल करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। यूएई के अलावा आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ ना कोई बैन शो करेगा, ना कोई और प्रॉब्लम होगा। आप कोई भी वीज़ा लेंगे वहाँ का, चाहे रेजिडेंस वीज़ा लें या विजिट वीज़ा लें या कोई भी वीज़ा लें, वो वीज़ा आपका लग जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी जीसीसी कंट्री में ट्रैवल करना है तो कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं लेनी, मतलब दुबई से यूएई के किसी भी स्टेट से हो कि नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो डेफिनेटली इमिग्रेशन आपको रोकेगी, आपसे क्वेश्चन करेगी, और हो सकता है आपको वहाँ से उतार के और वहाँ पे भी ले जाए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे किसी जगह पे भी वीज़ा लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यूएई का प्रॉब्लम सिर्फ यूएई के अंदर है। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।